हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली मैं बंजारा मार्केट गई थी अभी। सो वहाँ से मैंने काफ़ी शॉपिंग की है। सो उसी का मैं आज आपको हॉल दिखाने आ रही हूँ, बंजारा मार्केट हॉल। सो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं एक बड़ा बैग अपने साथ लेके गई थी, बट वो भी कम पड़ गया। मेरे को लग नहीं रहा था कि मतलब इतना ज़्यादा मैं शॉप कर लूँगी, बट वहाँ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी कि मैं क्या ही बताऊँ। सो गाइस, ये बैग है एंड आप देख सकते हो इसमें आवाज़ हो रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऐसे ग्लास का सामान है और काफ़ी कुछ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, बंजारा मार्केट दिल्ली गुड़गांव में है, गुड़गांव में बंजारा मार्केट है। सो ये सेक्टर 56 में अभी शिफ्ट होने वाली है, बट अभी सेक्टर 62 में है। पहले हम 56 चले गए थे, बट वहाँ पे कुछ कुछ लोगों ने लगा रखी थी। मोस्टली शॉप जो थी वो 62 में ही थी एंड ये सारे दिन ओपन रहती है। एंड मेक श्योर करो कि आप वीकेंड्स पे ना जाओ, क्योंकि हम वीकेंड पे गए थे एंड मैंने देखा कि रेट्स भी वो ज़्यादा बोलते हैं और ना रश बहुत ज़्यादा रहता है। वीकडेज में ज़्यादा अच्छा है और वहाँ पर बारगेन होता है, वो आपको कोट करेंगे प्राइस बहुत ज़्यादा, बट आप वहाँ कम करा सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी और क्या आप चीज़ ले रहे हो। वहाँ पे आपको होम डेकोर से लेके कटलरी, किचन का आइटम और मतलब सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। गिफ्ट करने के लिए भी शो पीस वगैरह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पे, मतलब हैंडलूम, कारपेट, मतलब बेडशीट, क्या चीज़ वहाँ नहीं थी। मैं इतनी शॉक्ड थी। सो मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ। सो सबसे पहले दो चीज़ें तो बाहर ही रखी हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ऐसे वुडन के बॉक्स मिल रहे थे, जैसे मैं बंजारा मार्केट एंटर मैंने किया तो वहाँ पे ये दो छोटे छोटे बच्चे बेच रहे थे। सो वो मेरे को इतना बोल रहे थे कि दीदी प्लीज़ ले लो, जबकि उस टाइम मेरे को भी नहीं पता था और अभी तक मेरे को नहीं पता कि मैं इसमें क्या रखूँगी या क्या करूँगी। इसमें पेंट भी नहीं हो रखा है, बट इसको मैं क्लीन करके पेंट कर लूँगी। एंड ये उन्होंने मेरे को सिर्फ 50 रुपीज़ का दिया, उनके पास बहुत सारा ऐसे वुडन का सामान था तो वो 50 रुपीज़ ईच दे रहे थे। सो ये मैंने हार्ट शेप का ऐसे वो है वुडन बॉक्स, ये मैंने एक लिया है 50 रुपीज़। एंड इसको मैं सोच रही पेंट करके एज अ ऑर्गेनाइज़र कुछ क्लिप्स या कुछ स्टोर करने के लिए ज्वेलरी वगैरह रख लूँगी। एंड एक और उनके पास वुडन का था ये वाला, इस पर टैग भी लगा हुआ है मेड इन इंडिया एक्सपोर्ट समथिंग। सो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इसको अभी क्लीन करना है। सो ये भी वुडन का है एंड इस पर ना यहाँ पे लाइक जैसे ज्वेलरी बॉक्स में आते हो ब्लैक कलर का कपड़ा टाइप वो रखा हुआ है, तो इसमें आप ज्वेलरी अपनी रख सकते हो अच्छे से। सो ये भी 50 रुपीज़ का एंड इस पर काफ़ी प्रिटी ऐसे डिटेलिंग और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, सब कुछ क्लीन है। तो इसको भी मैं पेंट कर लूँगी या कुछ डिज़ाइन, लेट्स सी। सो ये भी 50 रुपीज़ का है। एंड गाइस, वहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा जो पैसे दिए हैं वो शायद मैंने 150 रुपीज़ खर्च किए हैं, उसके अलावा मैंने नहीं करे हैं 150 से ज़्यादा। सब कुछ उसके अंडर ही मैंने खरीदा है। और जो सबसे सस्ती चीज़ मैंने खरीदी है मार्केट में वो 10 रुपीज़ से स्टार्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये बैग मैं ओपन करने वाली हूँ एंड ये गाइस इतनी क्यूट क्यूट ऐसे छोटी कटोरी टाइप है, इसमें आप सॉसेज या कुछ भी सर्व कर सकते हो, लाइक कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हो। ये ऐसे प्रिंट का है, आप देख सकते हो कितना प्रिटी ऐसे ब्लू प्रिंट है। ये सब कुछ वो खुद पेंट करते हैं, यहाँ पर भी इतनी क्यूट डिटेलिंग है। सो ये आंटी 20 रुपीज़ का बोल रही थी ईच पहले, बट उन्होंने क्योंकि मैंने ज़्यादा लिए तो उन्होंने 10 रुपीज़ का मेरे को दिया। एक प्रिंट ये है एंड एक प्रिंट ये है, ये भी काफ़ी प्यारा प्रिंट है, ऐसे फ्लावर डिटेलिंग सब कुछ, एज यू कैन सी। ये मेरे को बहुत प्रिटी लगा और कहीं भी कुछ टूटा हुआ नहीं है, बहुत प्रिटी शेप है। सो इसको आप किसी को भी ऐसे सॉसेज वगैरह सर्व करके दे सकते हो। एंड एक और था, इस पर भी ऐसे ब्लू ब्लू फ्लावर बन रहे हैं। इसमें अंदर मिट्टी है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे मिट्टी उड़ती रहती है, तो इसको अभी हम क्लीन कर लेंगे तो ये साफ हो जाएगा बिल्कुल। सो ये गाइस, ये 3 सेट मेरे को सिर्फ 30 रुपीज़ के पड़े हैं, कहीं भी नहीं मिलेंगे। मॉल में भी जाएंगे ना, ये आपको कम से कम सिंगल पीस 150 से कम नहीं मिलता। होम सेंटर में मैं जाती हूँ, सो 150 से कम नहीं मिलेगा और वहाँ 30 रुपीज़ का ये तीनों सेट मेरे को मिल गया, विच इज़ ग्रेट। सो इसके बाद मैंने एक और क्यूट सा वो लिया रखने का एंड इतना प्रिटी लगा मेरे को, इसकी शेप इतनी प्यारी सी है। इसमें आप चाहो तो किशमिश, काजू, कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन करे।
वरना आप ज्वेलरी भी इसमें स्टोर करके रख सकते हो अपनी, जैसे रिंग वगैरह या कुछ। ये गाइस बहुत प्रेटी है, ऐसे पान टाइप शेप में, और इस पे उन्होंने पेंट कर रखा है, और ये पूरा क्लीन अभी हो जाएगा। अभी मैंने बैग से कुछ नहीं निकालता, तो ये ऐसी है। और ये मेरे को सिर्फ 30 रुपीज़ का पड़ा है गाइस, सिर्फ 30 रुपये में उन्होंने मेरे को दे दिया। एंड मैंने ज़्यादा बार्गेन नहीं किया, क्योंकि वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम मॉल जाते हैं, मैं देखती हूँ वहाँ जो प्राइस टैग लिखा होता है हम वो पे करके आ जाते हैं, तो मेरे को लगता है कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, वहाँ पूरे दिन बैठे रहते हैं इतनी मिट्टी धूल में, तो हमें ज़्यादा बार्गेन नहीं करना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत ही करना चाहिए, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, वहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे, तो अच्छा नहीं लगता ज़्यादा वो करना। मतलब 10-20 रुपये कम करा लो, इससे ज़्यादा मत कराना गाइस। सो या उसके बाद मैंने ये सर्विंग प्लेट ली गाइस, जो कितनी प्रिटी है, एज यू कैन सी पत्ते शेप में, एंड ये इतनी हल्की है। वहाँ पे ना दो टाइप की कटलरी मिल रही थी, कुछ कुछ बहुत हैवी थी, एंड आपको ना लाइट वेट लेना चाहिए हमेशा, क्योंकि वो ईजी रहता है, क्योंकि इसमें अभी खाना भी रखेंगे या कुछ भी सर्व करके देंगे फिर और हैवी हो जाएगा। और गाइस इसमें ना नीचे से स्टैंड है, और ये मेरे को सिर्फ 50 रुपीज़ की पड़ी है, कैन यू बिलीव। पूरे मार्केट में मैंने जब जैसे ही एंटर करते हैं हम, तो स्टार्टिंग में वो प्राइजेस हाई बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप न्यू आए हो या जो भी है। वो इसी सेम प्लेट के मेरे को 500 भी कुछ शॉप वाले बोल रहे थे, वो लास्ट में कह रहे थे 200। बट जब मैं लास्ट में वापस जा रही थी, तो मेरे को यह आंटी दिखी, इन्होंने मेरे को 100 रुपीज़ बोला था, और लास्ट में 50 रुपीज़ में दे दिया। सो या वहाँ पे बहुत सारी शॉप पे सेम सामान मिल रहा है, एग्जैक्टली कटलरी से लेके हैंडलूम, वो सेम सेम सामान बेच रहे हैं, बस प्राइसेस में थोड़ी वेरिएशन है। सो ये काफ़ी प्रिटी, आप देख सकते हो कितनी प्यारी डिटेलिंग है, ग्रीन कलर की प्लेट है, इसमें आप कुछ भी सर्व कर सकते हो, स्नैक्स वगैरह, और ये बहुत अच्छी लगेगी ये। और ये मैंने इसीलिए लिया था कि इसमें सॉस रख के एंड इसमें कुछ सर्व करके मैं दे सकती हूँ अपने गेस्ट को, जो भी अब आएंगे दिवाली पे स्पेशली। सो मैं दिवाली से पहले इसलिए गई थी। सो ये सिर्फ 50 रुपीज़ की थी, इसको मैं रख देती हूँ धीरे ध्यान से। ओके गाइज, उसके बाद ये कलर से मैं इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी वहाँ कि मेरे को ये कलर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। सो ये बिल्कुल पेस्टल लाइट ग्रीन है, एंड ये सोप रखने के लिए है अपने बाथरूम में, एंड यू कैन सी इसमें पूरा ऐसे होल है कि पानी इकट्ठा ना हो, एंड इसमें अंदर भी स्पेस है, आप इसमें अच्छे खासा सोप बार रख सकते हो। एंड गाइज ये वहाँ ना सेट मिल रहा था इसका, और जो डिस्पेंसर आता है और टूथब्रश रखने का, अराउंड 500-600 बोल रहे थे, बट मेरे को वो इतना नहीं चाहिए था। सो मैंने खाली एक शॉप पे ऐसे पीसेस पड़े थे, सो ये सिर्फ मेरे को 30 रुपीज़ का मिला, विच इज़ ग्रेट। 30 रुपीज़ में कहीं भी नहीं मिल सकता, लाइक होम सेंटर में भी जाओगे आप लेने तो ये 200-300 से तो कम मिलेगा ही नहीं। सो ये स्टील डील थी गाइज, सो अगर आप जाओ तो मेक श्योर कि आप ये वहाँ से लेके आओ, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो आवाज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, मैंने नोटिस किया कि मैंने ज़्यादातर किचन और बाथरूम यही सब में मैं घूमती रही, मतलब ये सामान मैंने ज़्यादा ले लिया है एज़ कम्पेयर टू, मैं सोच के गई थी कि ज्वेलरी बॉक्स ये सब लेना है वो सब, और टेबल ग्लास, वो शायद अब मैं अगली बार जाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतना सामान हो गया था, रखने की जगह नहीं थी गाइस। सो ये इतना क्यूट सा गाइस, ये अगर आपने गेस कर लिया आप मेरे को कमेंट्स बताना क्या चीज़ है। सो इसमें ये मल्टीपर्पज़ लाइक यूज़ करने के लिए, आप चाहो तो पेन भी स्टोर कर सकते हो, ऑर्गेनाइज़र काइंड ऑफ है ये, आप पेन अपने मेकअप ब्रशेस कुछ भी, बट मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि मैं एज सच मेकअप इतना वेयर नहीं करती, मैंने ये टूथब्रश के लिए लिया है। सो इसमें हम 4 ब्रश रख सकते हैं, बीच में हम अपना टंग क्लीनर, कोलगेट ये सब रख सकते हैं गाइस। एंड आप देखो ये कितना प्रिटी है, इस पर इन्होंने ऐसे हाउस बना रखा है जो कि मेरे को बहुत प्यारा लगा है, पूरा हैंड पेंटेड है गाइस। एंड ये उन्होंने मेरे को दिया था फॉर 100 रुपीज़, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है। एंड ये और शॉप पे 200-250 बोल रहे थे, बट ये उन्होंने मेरे को 100 में दे दिया। सो या तो ये सब ना इतना डेलिकेटेड है कि सामान रखने की वो नहीं, और वहाँ ना उनके पास पॉलीथीन बहुत कम है, और न्यूज़पेपर में वो करके देते हैं तो वो ना बड़ा रिस्की रहता है, आप और पॉलीथीन लेके आप मार्केट में घूमोगे आप देख भी नहीं पाओगे, तो मेक श्योर करो आप एक अच्छा बड़ा बैग ले जाओ,
अपने साथ जो कि स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर ज़्यादा सामान भर के वो गलती से टूट गया, कुछ हो गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सो या उसके बाद गाइस, ये दिवाली आ रही है तो ज़्यादातर मैंने ना होम डेकोर का ही ले लिया सामान। मैं अब आपको दिखाती हूँ ये निकाल के, ये अभी तक मैंने निकाला भी नहीं है। सो ये मैंने दो पैकेट लिए हैं। सो बेसिकली, और गाइस इस पे टैग भी लगा है लिटरली, ये होम डेकोर का पीस है। सो ये आप अपनी डाइनिंग टेबल या फिर जो लिविंग रूम की टेबल होती है उस पे रख सकते हो। एंड गाइस ये इतना प्रिटी है, मैं क्या बताऊँ। ये देखो, ये ऐसे रखने के लिए होता है, इस पे आप कुछ भी रख लो काइंड ऑफ। एंड ये डेकोरेशन में इतना सुंदर लगता है, इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसी पे आप इसको अपने लाइक जो आपकी टेबल, ड्रेसिंग टेबल है उस पे भी रख के आप अपना कुछ मेकअप का सामान रख सकते हो। इतना सुंदर लगता है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसकी डिटेलिंग। इसमें से सिर्फ बीट का वर्क है गाइस, एंड ये सिर्फ मेरे को 50 रुपीज़ में मिल गया गाइस। दो मैंने लिए हैं सेम कलर के, क्योंकि मेरे को अपने लिविंग रूम की टेबल पर रखना है, तो मेरे को 100 रुपीज़ में दो उन्होंने दे दिए। पूरी मार्केट में वरना इसको ना 200-300 ये सब रेट बोल रहे थे, बट इस शॉप पे मेरे को लकली ये मिल गया। तो वहाँ पे बहुत शॉप है, मैं आपको बता रही हूँ, जो कि सेम सामान बेच रहे हैं। तो अगर आप ऐसे मत सोचना कि आपको बहुत पसंद आ रहा है और कोई इस चीज़ के 500-600 कोट कर रहा है, तो उसी शॉप से ले लो। पहले पूरा मार्केट एक्सप्लोर करना, क्योंकि बहुत बड़ी है, लाइक जहाँ से आप एंटर करोगे वहाँ से ऐसे पूरा सीधा जाके देने से पूरा यू काइंड ऑफ बनता है, उसमें पूरे में मार्केट है। सो ये भी सेम है, इसमें सिल्वर एंड गोल्डन कलर मिल रहा था, मैंने सिल्वर लिया है क्योंकि वो मेरे हाउस की थीम के साथ जाता है, क्योंकि मेरे ग्रे सोफ़ा है इसलिए। नेक्स्ट थिंग इज़ ये गाइस इतना क्यूट है, मतलब ये तो मतलब मेरे को ऐसा था मेरे को चाहिए, चाहे वो कितने महंगा दे, इसको तो मैं आज लेकर जाऊंगी। एंड इसमें से गोवा लिखा है, जबकि मैं आज तक गोवा गई नहीं हूँ, बट मैंने ये ले लिया कि कभी ना कभी तो जाएंगे। सो ये इतना क्यूट है, इसमें से पाम ट्रीज़ बन रखे हैं एंड बहुत प्यारा मेरे को लगा। इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, इसका कुछ ऐसे वो नहीं है कि स्पेसिफिकली इसी यूज़ के लिए, बट मेरे माइंड में ये था कि इसमें मैं अपने स्पून, फॉक ये सब रखूँगी, कि जब भी मेरे गेस्ट वगैरह आएंगे सो मैं ये रख दूँगी, जिसको भी जो चाहिए इसमें से ले लो। सो उसको स्टोर करने के लिए मैंने लिया है। पहले मैं सोच रही थी टिशू के लिए भी मैं ले सकती हूँ, बट गाइज मैंने टिशू के लिए एक और मस्त चीज़ ली है, एंड ये मेरे को सिर्फ 120 का पड़ा है गाइस। हाँ, क्योंकि वो भैया बिल्कुल कम नहीं कर रहे थे, उन्होंने इसका पहले 350 कोट किया था, मैंने 100 बोला था, बट उन्होंने कहा नहीं, फिर 120 में, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आ रहा था, उनको पता चल गया था, तो उन्होंने ये मेरे को 120 का दिया। देन इसके बाद गाइस, ओके, अब जो मैं आपको चीज़ दिखाने जा रही हूँ वो मेरे को इतने ज़्यादा लाइक लंबे टाइम से चाहिए थी। एंड ये मैंने H&M पे भी देखी थी, H&M के होम पे, होम सेंटर, मतलब मैंने कहाँ नहीं देखा था, ऑनलाइन भी देखा होता, मेरे अभी तक फ़ोन में विश लिस्ट में भी डला हुआ है। एंड गाइस ये इतना प्रिटी कलर है, मैं आपको क्या बताऊँ, आप देख सकते हो कितनी सुंदर डिटेलिंग है, बिल्कुल स्मूथ, कहीं से भी कुछ ख़राबी नहीं है, और ये सिर्फ मेरे को उन्होंने 100 रुपीज़ का दिया है गाइस, कैन यू बिलीव। इसमें मैं रियल प्लांट स्टोर करूँगी, मैंने सोचा, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है। सो मेरे को बहुत टाइम से फ्लावर वास चाहिए था, एंड कुछ ऐसे ही डिफरेंट शेप, मेरे को वो वाली कॉमन शेप इतनी पसंद नहीं है। सो ये मैंने लिया ओनली 4 रुपीज़ 100। वहाँ पे गाइस इतने प्रिटी प्रिटी फ्लावर वास मिल रहे थे, इसमें डिफरेंट कलर, डिफरेंट टेक्स्चर, कुछ भी आप ले सकते, बट मेरे को कुछ ऐसी पेस्टल चाहिए था, क्योंकि मेरे को पेस्टल कलर बहुत पसंद है। एंड ये मेरे को इतना प्रिटी लगा, और ये सिर्फ 100 रुपीज़ का है गाइस, कैन यू बिलीव। इसकी क्वालिटी तो आप देख सकते हो, और ये मॉल में हम जाएंगे ना 500-600 से कम कहीं नहीं मिलता, मैंने होम सेंटर में पूछा था, और इससे भी छोटा साइज़ था, तो जब भी बहुत, एज यू कैन सी मेरे फेस से भी बड़ा साइज़ है। सो गाइस ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और एक और मैंने लिया है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाइस, ये मेरे को और चाहिए था, बट मेरे बैग में बिल्कुल जगह नहीं बची थी गाइस, मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना, पर मैं अभी फिर से जाऊँगी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड को मैंने ये सब दिखाया, अपनी बेस्ट फ्रेंड को, और वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसे भी जाना है, उसे भी लेना है। तो जब मैं उसके साथ जाऊँगी, जब मैं और सामान लेके आऊँगी, और इस बारी मैं कोशिश करूँगी कि मैं कटलरी तो मैंने काफ़ी ले आई हूँ, इस बारी मैं वैसे ऑर्गेनाइज़र, ज्वेलरी ये सब लेके आऊँ, क्योंकि वहाँ पे थे ज्वेलरी स्टोरेज बॉक्सेस। नेक्स्ट जो मैंने इसी के साथ लिया इज़ दिस, ये
पन्नी उन्होंने दी थी और एक अखबार। मेरे को तो पूरे रास्ते यही डर लग रहा था कुछ टूट ना जाए टूट ना जाए, क्योंकि सब आपस में इतनी आवाज़ हो रही थी ना इनकी। इज दिस गाइस, ये इतना प्रिटी कलर है, ये दोनों में मैं कंफ्यूज हो गई थी कौन सा लूँ। फिर मैंने सोचा कि दोनों ले लेती हूँ, क्योंकि बार बार ही कौन आ रहा है। और फिर मेरे को चाहिए था कि एक मैं अपने लिविंग रूम में, ये अपने लिविंग रूम में रखूँगी मैं, और वो वाला मैं अपने रूम के लिए लाई हूँ। सो गाइस यू कैन सी ये कितना प्रिटी, ये वाला पेस्टल कलर मेरे को इतना पसंद है। एंड मेरे को कुछ भी डार्क नहीं चाहिए था और वाइट भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वाइट बहुत कॉमन हो गया आजकल, सबके पास है। सो मैंने इसलिए स्पेशली ये कलर लिया है। एंड गाइज ये भी सिर्फ 100 रुपीज़ का, और जबकि इसमें कुछ डिफेक्ट नहीं है, आप देख सकते हो पूरा क्लीन और पूरा इतना सुंदर है। और इसमें फ्लावर रखे इतने अच्छे लगेंगे गाइज। जल्दी से मैं इसको डेकोर करूँगा फिर मैं आपको दिखाऊँगी। सो ये भी सिर्फ 100 रुपीज़ का था। हेलो 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 हेलो। सो या गाइस, अब नेक्स्ट जो चीज़ है एक और बजा। ओके सो मैं आपको बता रही थी कि मैं टिशू के लिए चीज़ लाई हूँ बड़ी यूनिक, वैसे भी थे नॉर्मल जो टिशू होल्डर आते हैं ऐसे रेक्टेंगल शेप में, बट नहीं, मैंने सोचा कि मैं डिफरेंट कुछ लूँगी। एंड मैंने ये अपनी ये वाली साइड इसी बार एक्सप्लोर की है, मेरे को पता था कि मेरे को थोड़ा बहुत पसंद है लाइक डेकोर करना ये सब, बट मेरे को इतना नहीं पता था कि मेरे को इतना ज़्यादा लाइक एक चीज़ के लिए स्पेशली अलग अलग आइटम लेना पसंद है। बट मैंने तो भाई गाइस सब चीज़ों के लिए स्पेसिफिक अलग लिया है। फिर ये मैंने टिशू के लिए लिया गाइस, ये इतना प्रिटी है, ये भी सिर्फ 100 रुपीज़ का। एंड आप देख सकते हो ये शेल की शेप में है और ये कितना प्रिटी, इस पर डिटेलिंग है, इसमें हम टिशू रखेंगे अपने। सो या गाइस ये हमारी टिशू होल्डर है और ये भी सिर्फ 100 रुपीज़ का था। इस पर डिटेलिंग जो गाइस है ना वो इतनी अमेजिंग है, एज यू कैन सी ये पूरा शेल शेप का है, और इसमें पूरा अच्छे से हमारे टिशू रख सकते हैं एज ए इसको प्लांटर भी आप बना सकते हो या फिर फ्लावर वॉस कुछ भी। फिर लास्ट आइटम है जो गाइस इस दिस मैट, जिसके अंदर मैंने सब रख रखा था, और ये भी सिर्फ 100 रुपीज़ का है गाइस। ये भी गाइस सिर्फ 100 रुपीज़ का है, कैन यू बिलीव, और ये इतना प्रिटी है। और एक और लास्ट चीज़ है जो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस ये सबसे लास्ट आइटम है, ये सिर्फ 150 रुपीज़ का, कैन यू बिलीव 150 रुपीज़ का ये मैंने लिया है। इतना प्यारा दिया का सेट, क्योंकि दिवाली आ रही है। एंड गाइस यू कैन सी कितना प्रिटी है, और ये मेरे फेस से ही बड़ा है ये 150। पहले उन्होंने 500 का बोला था सिंगल, ये तीन साइज में मिल रहे थे बट मेरे को सिंगल चाहिए था। सो इसको आप इसमें पानी भर के रोज़ पेटल्स डाल सकते हैं, फ्लोटिंग दिया या कुछ भी, और यहाँ पे आप इंडिविजुअली दिया लगा सकते हो। एंड ये सिर्फ 150 का है गाइस, और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है लाइक इसको आप ऐसे रख सकते हो। सो या गाइस अगर आपको ये मेरा हॉल अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको देखना है कि मैंने कहाँ से शॉप किया है सब कुछ, उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी अपने चैनल पे बंजारा मार्केट के नेम से, आप देख सकते हो। सो या गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज़।